बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रैक्टिस टाइम। थ्री फ्रेंड्स रीड टाइम फ्रॉम ए क्लॉक। हु इज राइट? टिक टिक का ही ये दूसरा मतलब ये टॉपिक है। बबलू, राजू, अलका, दीज आर थ्री फ्रेंड्स। दे आर थ्री फ्रेंड्स। There is time in the clock. Time cut in the clock is showing a time, showing the time. One is saying the time is 12:03 o'clock. Another is saying 12:15 o'clock. Third one is saying that is time is only 3 o'clock. हमें ये काम करना है कि हमें देखना है कि इनमें कौन सही कहता है। इमाम कुसुश वना सही। देखो, हमें ये पता होना चाहिए कि जब मिनट हैंड 12 के सीध में हो तो आवर हैंड उस वक़्त किसी न किसी नंबर पे बिल्कुल उसके सीध में होता है। जिस वक़्त मिनट हैंड 12 के सीध में होता है, यम सातन मिनट हैंड आस 12 पे, तिम वक्त ऐसे ज़रूर ज़रूर और ज़रूर जो हमारा आवर हैंड होता है वो किसी न किसी नंबर पे ही होगा, किसी की किसी नंबर के सीध में, बिल्कुल सीध में होगा। चाहे वो 1 पे होगा, 2 पे होगा, या हो सकता है वो 12 के सीध में ही हो सकता है। जिस नंबर के सीध में आवर हैंड होगा इतना ही टाइम आ पहुँचता है। यानी अगर 1 से अगर आए तो 1 हम कहेंगे, अगर वो 2 के सीध में होगा तो 2 कहेंगे। इस तरह इस वक्त ये 3 के सीध में है, मिनट हैंड 12 के सीध में है और आवर हैंड 3 के सीध में है। इस तरह हम कहेंगे न 12:03, न 12:15, बल्कि 3 o'clock। अगर यह ऐसे यथत तो 4 o'clock। अगर यह ऐसे यथत आवर हैंड यानी घंटों में तो 9 o'clock। अगर ये ऐसे यथ पैठ ऐसे नहीं कि ऐसे तेल अह तल यथ मिनट हैंड तल ऐसे और ये ऐसे 12 सज रहे तेल गया 12 o'clock। गो ये ठीक है, ये ठीक है। इसी तरह यथ मिनट हैंड से 7 सजर आवर हैंड से 5 और 6 के बीच में, 5 और 6 के बीच में यह गोस आसन रचन निम सजर गोस आसन यह थोमुत गलत पहनस तो यानी तमुक माने गो। अगर वो अमुक माने गो इस वनस मिनट हैंड पकान अक नंबर पे बीस नंबर तम वात लगान 5 मिनट। ये 12 पे द्राव वो वनस पे गई 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 गो इसने 35 मिनट तय किए हैं। ये 5 से आगे है उसका माने है 5:35। देखो न 7:25 है, न 5:07 है, बल्कि 5:35। इट इज़ करेक्ट, ही इज़ करेक्ट, ये करेक्ट, अलका इज करेक्ट, ये तो उस अलका ही करेक्ट। अब यहाँ देखेंगे ये मिनट है, ये आवर हैंड है, आवर हैंड ऐसा आवर हैंड मिनट हैंड से छोटा होता है, लंबाई में वो छोटा होता है लेकिन वो मिनट हैंड से मोटा होता है, वो मिनट हैंड से मोटा होता है। इसलिए ये आवर हैंड है, इसलिए वो ये आवर हैंड और ये मिनट हैंड है। मिनट हैंड ने 5, 10, 15 निकाले हैं और ये 5, 6 और 7 के बीच में है। इस तरह हम कहेंगे कि इस वक्त, लेकिन ये गलत है, ये नहीं नहीं ये 5 और 6 के बीच में नहीं है, ये 7 और 8 के बीच में है। ये ऐसे है, ये ऐसे है। अगर मैं बनाऊं, देखो अगर मैं बनाऊंगा घड़ी इसे, इसको 4 खानों में तकसीम करो
ये 12, 1, 2, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन नाइन टेन अलेवन, यहाँ से स्टार्ट करो। अत क्या छावा, ये छावा अत 7:15। देखो मेरठ हैंड इसके सीध में होगा, यानी यह अगर इमुख नेस्प यह नेस्प किस नेस्पस मज मेरठ आवर हैंड, तो ये मेरठ हैंड किसके सीध में होगा, बिल्कुल 3 के सीध में, यानी ये आस बिल्कुल अगर निमान उस नेस्प इसके सीध में 7 से थोड़ा आगे, तो इसको हम कहेंगे 7:15 ओ कुलाक, सी एल ओ सी के कुलाक। इसी तरह यहाँ इसका मतलब है कि यह ठीक है, ये ठीक है। शो द फॉलोइंग टाइम्स इन द कुलाक, वो मनु से तुम 3:10 कत आ 3:10 कम सा अब हमें देखो ये उस टाइम यहाँ इंडिकेट था, ये उस टाइम घर पर हवित, तो हमें सिर्फ ये बताना था कि इनमें कौन सही है, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ टाइम लिखा हुआ है और हमें इस पे टाइम अब इंडिकेट करना है, ऐसे वो टाइम हाउ यानी हमें मिनट हैंड और आवर हैंड को बनाना है। 3:10 ओ क्लाक, इसका मायने है कि जो मिनट हैंड है वो उसने 10 किए हैं पावर 5 और 10, उसका मायने है ये इसके सीध में होगा, जोड़ते तो जविल। अब ये 3 है, 3 से इसने सिर्फ 10 मिनट किए हैं, यानी इसका मायने है कि ये बिल्कुल इसकी एक लकीर, क्योंकि अच्छा लगा 6, एक लकीर भी इसने पार नहीं की होगी अभी, ये आसान मोटी पहन यानी अड़न बासी ये 93 सदर, लेकिन थोड़ा इसने तय किया है 10 मिनट। इस तरह हम कहेंगे ये 3:10 है। 6:40 7:00 गो कि 7 गो यम 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 7 गो मिनट हैंड यहाँ की इसके सीध में होगा, ये 6 और 7 के बीच में होगा, यद तमत मान हो कि यद तमत गई 30, अभी इसके सीध में होगा, यानी ये बायस की ये शायद हम रलियाम नज़दीक हसी इस तरह ही होगा। 4:35 देखो ये तो छोटी गड़ी है, ये तो 35 को निम साइड मिनट हैंड, ये ऐसी आदत देखो वो बना हुआ था थोड़ा बज बज गैर 3:10 ऐसे 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 12:36:09 यह गज बराबर गोल गसन, या ज़रूरी तो गोल के मगर जो इसका अंदरूनी हिस्सा ये गोल होना चाहिए। अच्छा अच्छा बनाओ 3:10 ये है, इसका मान है कि अगर इस यमत पूछो ये तमत गया 3:30 ये ले तमत गए 15 मिनट, इसका मान इसके सीध में होगा, ये एस टिप आवर हैंड ऑफ त्रे बजे तो 10 मिनट मिनट हैंड ऐसे हो गया, ये 3:10। इसी तरह 6:07 12:36:09 6:07 30:35 यम को मिनट हैंड 6:07 को 6 और 7 के दरमियान
गो की यत्तमत आसीत, यत्तमत की यत्रु न्यस्प इसकी सीध में होगा। ये इसको कहेंगे शुभजीत सजीवन सत्याईस ने बराबर किए टिप में, तो इस तरह हम कहेंगे ये 6:40 ओ क्लॉक है। ओ क्लॉक मीन्स ये घड़ी पे हमें ये टाइम इस वक्त है, वरना इस वक्त सुबह के 5:20-30 है। अच्छा, तो इस तरह कुंजियां ऐसा ऐसा कहीं हमें टाइम देखना होता है और हमें टाइम लिखना होता है, और कहीं हमें टाइम घड़ी पे इंडिकेट करना होता है। इन्हीं को यहाँ भी ऐसी एग्जाम्पल्स हैं। 2:20 बनाना है, 3:15 हमें घड़ी पे दिखाना है, 7:35 हमें घड़ी पे दिखाना है। डू यू लाइक स्काई वॉचिंग, क्या आप आसमान को देखना चाहते हैं? इफ़ यस देन दिस वन शुड इंटरेस्ट यू। एट वट टाइम डज सनराइज एट योर प्लेस, असल में स्काई ये आफ्ताब, जब उस आफ्ताब चमकता होगा उस वक्त आसमान उसकी तरफ देखना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे आँखों पे बुरा असर पड़ता है। इस साधन आफ्ताब चमका उस वक्त आफ्ताब की तरफ हमें देखना नहीं चाहिए, क्योंकि आफ्ताब की रोशनी हमारी आँखों को नुकसान पहुँचाती है। एट वट टाइम डज सन राइज एट योर प्लेस, तुहंदिस एरियाहस मज कज बज खसा आफ्ताब, तुहंदिस एरियाहस मज कज बज खसा, हमारे एरिया में किसी वक्त, ये तो मौसम के मुताबिक आफ्ताब का जो राइज है या उसका सनसेट है या सनराइज है, ये मौसम के मुताबिक बदलता रहता है। व्हेन डज द सनसेट, चलो ये तो आज की बात है, आप देखो कैलेंडरों को देखो, उसी के मुताबिक आप लिख सकते हैं। डज द सनराइज एंड सेट एट द सेम टाइम एवरी डे? नो, आज ये तो जनरल जवाब इसका ऐसा कि नो, ये एवरी डे एक ही टाइम पे न चढ़ता है और न ग्रुप हो जाता है। इस तरह ये हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ जो ये टिक 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 लेसन है, ये हमें ये सिखाने की कोशिश करता है कि हमें घड़ी पे टाइम देखना ऐसे से कैसे तक वुछन ऐसे कसन ऐसे कसन टाइम है अपन बनाए व्यक्ति, अगर इसको कुंजियां लिखी था इस टाइम हमें घड़ी पे वो इंडिकेट करना भी आना चाहिए। इस तरह अगर कुंजियां ऐसे घर ऐसे तथा पर ऐसे टाइम हो व्यक्ति ऐसे कैसे तक सो टाइम वन, तो इंशाल्लाह आइंदा फिर ये इसका दूसरा टॉपिक था। शुक्रिया।